शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो गाइस अभी मैं हूँ सलगा पेट्रोल पंप में और पेट्रोल डला रहा हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ चलिए आप लोग को बताता हूँ, बने रहिए आप लोग व्लॉग में। अच्छा म्यूजिक। तो आज मैं सुबह सुबह ही निकल गया हूँ जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में एक इंटरव्यू के लिए। उस पद का नाम है एबीबी फेलो, और ये लगातार मेरे जीवन में चलता रहता है इंटरव्यू का सिलसिला, अभी तक सक्सेस मिला नहीं है, तो चलिए देखते। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ इंटरव्यू स्थल में, लाइवलीहुड कॉलेज सलका बैकुंठपुर। तो चलिए, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब बहुत कॉम्पिटिटर आए हुए हैं, और देखते हैं कंटिन्यू सिलसिला चलता आ रहा है। और मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दिया हूँ, अब अंदर चलता हूँ और जो भी है क्या बोलते हैं फॉर्म वगैरह उसे सबमिट करता हूँ। ये लाइन लगी हुई है फॉर्म सबमिट करने की, और लगभग लगभग 100 लोग आए हुए हैं, और मैं वापस जल्दी से आया फ़ोटो कापी कराने के लिए, आधार कार्ड का फ़ोटो कापी कराना भूल गया था मैं। तो यहीं सलका में ही एक छोटा सा शॉप था, वहीं आया हूँ, और भाई थोड़ा बिजी है फ़ोन में और मेरी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे, और मैं बताना भी नहीं चाहता। अभी आधार कार्ड का फ़ोटो कापी करा लिया मैं, अब चलता हूँ जल्दी से इंटरव्यू स्थल। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रतिभागी लोग लाइन में लगे हुए हैं, मतलब बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी अपनी पारी का। अभी तक तो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दिए, वेरिफिकेशन वगैरह करा के, अब पात्र अपात्र लिस्ट आना बाकी है। अब देखते हैं क्या होता है, मैं पात्र होता हूँ या नहीं होता, उम्मीद तो है पात्र हो जाऊँगा। अरे देखिए छोटा सा किला, और हमारे साथ इंटरव्यू के फेज में ये भी लगा हुआ है, तो सोचे आप लोग को दिखा देता हूँ क्या करूँ, टाइम पास होने का काफ़ी देर हो गए वेट करते करते। और ये देखिए ये पीछे पूरा लाइवलीहुड का भवन, और वेट का सिलसिला चल रहा है। अब मैं निकल गया हूँ खाना खाने के लिए, कब तक वेट करेंगे, और पात्र पात्र लिस्ट आ चुका है और उसमें मैं पात्र हो चुका हूँ, और एक अच्छा सा होटल खोज रहा हूँ जहाँ पे खाना मिल जाए। और मैं चलता हूँ गुप्ता भोजनालय की ओर बस स्टैंड के पास, और ये मैं मंगा लिया हूँ 4 रोटी और पनीर। तो चलिए इसे मिस करते हैं जल्दी से और निकलते हैं इंटरव्यू स्थल की ओर। तो ये खा लिया झटपट और निकल गया, और यहाँ पर सामने में गणेश पंडाल, तो चलिए आप लोग भी दर्शन करिए मेरे साथ साथ, और सबका बप्पा कृपा बनाए रखे सब पर। और ये गणेश उत्सव चल रहा है अभी सभी जगहों पे, और ये देखिए इंटरव्यू के लिए इतने लोग पात्र हुए हैं गए लोग, और इसमें मैं पात्र हो गया क्योंकि 10 लोग को ही लेना था और मेरा 11वें नंबर पे नाम है। तो चलिए ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है, और अभी तक तो सक्सेस मिला नहीं, अभी तक बड़े पोस्ट पर गए नहीं हम। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं निकल गया हूँ घर की ओर, क्या करें उदास मुंह लेकर के। तो चलिए चलते और इन्जॉय करते हैं लाइफ को, सब चीज़ों को, और घर पे फिर एक रोता हुआ चेहरा लेकर के जाना है। और क्या करें, ये दौर चलता रहता है, ये दौर आता रहता है, सबको इस चीज़ से गुजरना है। तो गाइस ये देखिए रास्ते में गणपति विसर्जन हो रहा है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, सॉरी पांचवा दिन है आज क्या बोलते हैं गणेश उत्सव का। तो गांव के लोग विसर्जन कर रहे हैं, और ये गौ माता तो रास्ते में पड़ा, तो सोचा आप लोग को दिखा दूं मैं। लगातार इंटरव्यू के फेज का ये सिलसिला चलता आ रहा है कई वर्षों से। बाबूजी फिर पास हुए, फिर बाबूजी फिर फेल, फेल, बहुजी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।